एटी न्यूज चैनल अब नेट विजन केबल नेटवर्क पर 707 नंबर पर उपलब्ध। नमस्कार, मैं विवेक डोगरा, आप देख रहे हैं प्राइम एटी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ ताजा सुर्खियों पर। 11 सूत्री मांगों को लेकर धरने पर बैठे कॉलेज अध्यक्ष राजस्थान दौसा में आज उपखंड मुख्यालय लाल सोटे के राजेश पायलट राजकीय पीजी महाविद्यालय लाल सोट में छात्र छात्राओं की 11 सूत्री मांगों को लेकर छात्र संघ अध्यक्ष महेंद्र सिंह आजादी के नेतृत्व में आमरण अनशन किया गया। छात्र संघ अध्यक्ष ने कहा, महाविद्यालय प्रशासन को कई बार समस्याओं के बारे में अवगत कराया गया, पर आज तक छात्राओं की मांग पर ध्यान नहीं दिया गया। छात्र संघ महेंद्र सैनी ने कहा कि जब तक छात्रों की 11 सूत्री मांगे पूरी नहीं होंगी, जब तक आमरण अनशन जारी रहेगा। समस्याओं के लिए अवगत करा दिया है और आज हमने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर इस महाविद्यालय से समस्त छात्र छात्राओं की अगुवाई में आमरण अनशन चालू कर दिया है। यह आमरण अनशन जब तक चालू रहेगा जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी। सरकार का कोई भी अधिकारी हमें लिखित में इसकी मांगों की सूचना देगा तभी हम आमरण अनशन हटाने वाले। ये मांगे जब तक पूरी नहीं होगी जब तक हम कहीं नहीं जाने वाले। ये 11 सूत्रीय मांगों को लेकर आमरण अनशन किया जा रहा है जिसमें सबसे मुख्य समस्या है इस कॉलेज की, महाविद्यालय को पीजी कर रखा है लेकिन मात्र एक सब्जेक्ट देके राजनीति विज्ञान। मैं ये पूछता हूँ भाइयों आपसे कि एक विषय से कोई महाविद्यालय पीजी हो जाता है क्या? नहीं। पीजी के लिए यहाँ पर MSc और वाणिज्य विज्ञान संकाय यहाँ खोले जाए और यहाँ पीजी स्तर पर राजनीति विज्ञान के अलावा मात्र एक विषय से यहाँ पीजी हो रही है। तो ज्योग्राफी साहित्य फिर यहाँ की मुख्य है तो MA स्तर पर इनको ले लाई जाए और MSc यहाँ चालू की जाए, वाणिज्य स्तर पर यहाँ चालू की जाए और महाविद्यालय में समस्त छात्रों से महाविद्यालय प्रशासन के द्वारा एक धुली लूट और मचा रखी है। आपने देखा होगा कि परीक्षा के टाइम जब कोई बंदा फार्म भरने आता है, कोई छात्र फार्म भरने आता है गाँव से, उससे 200 रुपये अतिरिक्त वसूले जाते हैं। ये किसी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है, ये खुली अवैध वसूली की छूट है। इस ये पैसा हमें वापस मिले ये हमारा अधिकार है। ये मांग भी हमारी पूरी होनी चाहिए। महाविद्यालय में आपने देखा होगा बिल्कुल पढ़ाई का माहौल नहीं है, एक पीरियड या दो पीरियड से ज़्यादा नहीं चल रहे, नियमित कक्षाएँ यहाँ चले उसकी मांग भी हमने उठाई है। महाविद्यालय में पिछले दो वर्ष से गणित का टीचर नहीं है, संस्कृत का टीचर नहीं है, उनको पूरा किया जाए। UG स्तर पर यहाँ इस महाविद्यालय में 5 सेक्शन है उनको बढ़ाकर 5 और किया जाए, यानी BA स्तर पर सीटें बढ़ाकर 1000 की जाए, ये भी हमारी मांग है। महाविद्यालय में छात्राओं की सुरक्षा के लिए अस्थायी पुलिस चौकी की यहाँ व्यवस्था की जाए, छात्राओं के लिए निःशुल्क बस चलाने की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाए। कई राज्यों में ऐसी व्यवस्था की है, पंजाब राज्य में ऐसी व्यवस्था है, हरियाणा राज्य में ऐसी व्यवस्था है। हम भी राजस्थान सरकार से मांग करते हैं कि हमारी इस व्यवस्था को छात्रों की समस्या का समाधान करने की व्यवस्था किया जाए और नियमित चलने वाली कक्षाओं में बैच खाली रहते हैं, एक टीचर एक ही सेक्शन के बच्चों को पढ़ाता है, तो अगर बैच खाली है तो गुरुजनों से हमारा ये निवेदन है कि उन पर अतिरिक्त सेक्शन के बच्चों को बैठने की व्यवस्था की जाए। महाविद्यालय में NCC नहीं है, इस महाविद्यालय को PG कर रखा है, इसकी फैकल्टी के अनुसार महाविद्यालय में PG होनी चाहिए, ये भी हमारी मांग है। और जिन छात्राओं की छात्रवृत्ति राजस्थान दौसा से दीपक सैनी की